इन मखानों पर मसालों की कोटिंग बहुत अच्छे से हो गई है और ये रोस्ट होने के बाद बहुत कुरकुरे हो गए हैं। आप इन्हें नवरात्रों में एक बार बनाएं और फिर 9 दिन आराम से खाएं। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हैं। हे फूडीज, वेलकम टू आशिमास किचन। त्योहारों का सीजन आ ही गया है। सबसे पहले 9 दिन नवरात्रि, 10वें दिन दशहरा जिसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, और फिर उसके 20 दिन बाद दिवाली। नवरात्रि के 9 दिन हम माँ दुर्गा के अलग अलग अवतारों की पूजा करते हैं, जिसमें कुछ भक्त लोग 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं और एक समय सात्विक भोजन खाते हैं। व्रत का सीधा मतलब है सभी सुख संपन्न वाली चीजों का त्याग करना, और इसमें सबसे कठिन होता है भूखा रहना। बट डे टू डे के रूटीन वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और कई बार प्रेग्नेंट लेडीज भी ये व्रत रखती हैं, जिसमें उनके न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो स्वाद तो है ही, इसे भगवान का भोजन भी कहा जाता है। जी हाँ, मखाने यानी की लोटस सीड्स या फिर कहें फॉक्स नट्स। इनको व्रत, पूजा या हवन में प्रसाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस रेसिपी की एक सर्विंग आपकी डेली न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगी। तो इसके अंदर होते हैं भरपूर प्रोटीन्स, फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जो धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक होते रहते हैं और हमें दिन भर एनर्जी देते हैं। साथ ही हमें भूख भी बहुत कम लगती है। साथ ही हम डालेंगे पीनट्स यानी की मूंगफली, जिसके अंदर 4 ग्राम तक प्रोटीन होता है, और इन्हीं के साथ हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जैसे कि सूखा नारियल, काजू और किशमिश, जिससे मिलेंगे हमें हेल्दी फैट और बाकी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हम डालेंगे इसके अंदर देसी घी। ज्यादातर प्रसाद की सभी चीजों में देसी घी इस्तेमाल होता है। आप चाहें तो पीनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल ज्यादातर यूज नहीं किया जाता। चलो अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और बाकी की बातें बनाते हुए। तो सबसे पहले हम लेंगे मसाला मखाना बनाने के लिए ताजे मखाने। ये देखें, ये कितने खिले खिले एंड फ्रेश लग रहे हैं। और 1 चम्मच अमचूर पाउडर, मुट्ठी भर मूंगफली के दाने, मुट्ठी भर किशमिश। यहाँ मैंने 4 हरी मिर्च को चॉप कर लिया है। उसके बाद 1 चम्मच सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट, और लिया है नारियल। मैंने एक पूरा नारियल लाई थी, उसको मैंने पतली पतली स्लाइसेस में कट कर लिया है। उसके बाद लिए हैं 10 से 12 फ्रेश कड़ी पत्ते, काजू और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च। तो ये हुए हमारे मसाला मखाना के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम अपने मखाना को रोस्ट करेंगे। उसके लिए हम ड्राई रोस्ट करेंगे यानी कि तेल या घी के बिना ही इन्हें अपने पैन में सेकेंगे। वैसे तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में थोड़े नरम नरम से होते हैं, तो ड्राई रोस्ट करने से ये अच्छे से क्रंच हो जाते हैं। ड्राई रोस्ट करने के लिए इन्हें हम 4 से 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे, और इन्हें लगातार चलाते रहना है ताकि ये हर तरफ से अच्छे से सिक जाए। दैट मीन्स रोस्ट देम टिल इट्स नाइस एंड क्रिस्प। अब हम अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मखानों को एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। यप, हो गए हैं मखाने हमारे रोस्ट। अब हम तैयार करेंगे इनका मसाला। उसके लिए उसी पैन में लेंगे 2 चम्मच देसी घी, और जब घी हो जाएगा हमारा गरम, उसमें हम डालेंगे पीनट्स यानी कि मूंगफली, और उनको भी हम घी में रोस्ट कर लेंगे। इनको लगातार चलाते रहेंगे और इन्हें हमें रोस्ट करना है 1 से 2 मिनट बस। जैसे ही इनके छिलके का रंग थोड़ा सा बदलने लगेगा, हम डालेंगे इसमें काजू, और काजू को भी मूंगफली के साथ रोस्ट कर लेंगे। अभी तक हमने जो दोनों चीजें डाली हैं, वो हेल्दी तो है ही, ये व्रत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फिलिंग एंड बेनिफिशियल भी हैं। अब जैसे ही काजू हमारे हल्के से गोल्डन ब्राउन होने लगेंगे, हम डालेंगे अपना तीसरा इंग्रेडिएंट, किशमिश। किशमिश इन मसाला मखानों में बहुत ही स्वाद लगती है। तो अब हम इन तीनों को चलाते रहेंगे एंड फ्लेम को हमें लो मीडियम पर ही रखना है, ताकि ये अंदर से अच्छे से भुन जाए और जलने का डर ना रहे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम नारियल, जिसको मैंने लंबा लंबा बारीक काट लिया है,
और उसके साथ ही 3 से 4 हरी मिर्च। आपने एक चीज नोट की होगी कि मैंने मिर्च को सीधा सीधा नहीं बल्कि स्लांट स्लांट कट करके चॉप किया है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? मैं बताती हूँ, किसी भी भुजिया में या फिर किसी भी रेस्टोरेंट में मिर्च को इसी तरीके से काटा जाता है। इनको 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करने के बाद हम डालेंगे इसमें अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्लेवर, कड़ी पत्ता। एक चीज का ध्यान रखना कि हमें कड़ी पत्ता को आखिरी सी में ही डालना है, क्योंकि ये काफी जल्दी रोस्ट हो जाता है। और अब हम डालेंगे इसमें मखाने। मैं आपको इन्हें फोड़ के दिखाती हूँ। सी, ये कितने क्रंची हो गए हैं एंड कैसे चूर चूर होकर टूट रहे हैं। इनको हम डाल लेंगे अपने पैन में और अब डालेंगे हम इसमें अपने मसाले। सबसे पहले अमचूर, उसके बाद काली मिर्च एंड फिर सेंधा नमक। इन मसालों को अब हम मखानों के साथ अच्छे से मिला लेंगे, जिनसे हमारे मखानों के ऊपर इन मसालों की अच्छी सी लेयरिंग आ जाएगी। एंड हाँ, अगर आप व्रत में हल्दी खा लेते हैं तो आप इन मसालों के साथ चुटकी भर हल्दी भी डाल सकते हैं। धीरे धीरे हमारे मखानों पर चढ़ रही है मसालों की कोटिंग और ये लग रहे हैं मार्केट वाले पैक्ड मसाला मखाना से भी ज्यादा टेस्टी। आपको ये कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप व्रत में और किस तरीके के स्नैक्स खाते हैं मुझे वो भी कमेंट करके बताना। तो फ्लेम को हमने कर दिया है ऑफ, मखाने हो गए हैं हमारे बनके तैयार। क्यों बने हैं ना ये मखाने व्रत के टाइम पे आपके साथ ही बनने वाले, और बने हैं ये सुपर क्रिस्पी एंड फुल मसालेदार, हेल्थ प्लस टेस्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मसाला मखाने हमारे बनके तैयार हैं। चलो इनको टेस्ट करते हैं कि ये कैसे बने हैं। मसाला मखाने बने हैं बहुत ही क्रंची और इनके ऊपर काली मिर्च और सेंधा नमक की क्या कोटिंग आई है, खाके मजा ही आ गया। तो आप इनको नवरात्रे आने से पहले ही बना के रख लीजिए और इनको एयर टाइट डब्बे में डाल के रखिए। ये 8 से 10 दिन बहुत ही आराम से चलते हैं और फ्रेश रहते हैं। वैसे तो ये शॉप्स पर भी मिल जाते हैं, पर उसमें पता नहीं लगता कौन सा तेल यूज किया है, कैसे मसाले यूज किए हैं। अगर आप इसको घर पे बनाएं तो अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं, अपने पसंदीदा मसाले डाल सकते हैं, और घर की बनी चीज तो घर की ही होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आप इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि इन नवरात्रों में व्रत रखने वाले जितने भी लोग हैं वो भी इन मखानों को घर पे बना सके। आपको और आपके सभी परिवार वालों को मेरी तरफ से नवरात्रों की ढेर ढेर शुभकामनाएं। जय दुर्गा माँ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि त्योहारों का भी कुल बच चुका है तो मेरे चैनल पे आने वाली है मिठाइयों की और भी ढेर सारी रेसिपीज। तो आपकी वो रेसिपीज मिस ना हो तो बेल आइकन को भी अभी जल्दी से दबा लीजिए। इन मसाला मखानों में यूज होने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो आप वहां पे जरूर देख ले। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैप्पी कुकिंग विद आशिमास किचन।